वो बंदे में वो क्वालिटी है। वो जबरदस्ती आपको नहीं बुला रहा है कि आप मेरे पास आओ बंदा मेरे को देखो। अगर आपको देखने का मोस्ट वेलकम, अगर नहीं देखना तो नहीं देखिए ना। देश का 100 करोड़ हिंदू सनातनी पिक्चर देखने नहीं जाएगा पठान मूवी। शाहरुख खान तो नहीं डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर है डायरेक्टर। ओके, अगर पठान मूवी शाहरुख खान को अगर चलानी है तो वहीं चला जहां से पठान भाग करके आए। शाहरुख खान पठान पे बना जिसने आईबी के ऊपर, अफसर के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर गोली चला दी थी उसने सीए के प्रोटेस्ट में, उसके ऊपर पिक्चर बना। पठान मूवी रिलीज होने वाली है, क्या होना चाहिए? देश का 100 करोड़ हिंदू सनातनी पिक्चर देखने नहीं जाएगा पठान मूवी। क्योंकि अगर पठान मूवी शाहरुख खान को अगर चलानी है तो वहीं चला जहां से पठान भाग करके आए। पठान का क्या मतलब है? पठान तो दाऊद जो हमारे इंडिया का जो गद्दार है, देशद्रोही है, दाऊद इब्राहिम, दाऊद पठान है वो। उसका टाइटल देखो, पठान है। साले दाऊद के ऊपर पिक्चर बना, आतंकवादी गतिविधि करता है वो। शाहरुख खान पठान पे बना जिसने आईबी के ऊपर, अफसर के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर गोली चला दी थी उसने सीए के प्रोटेस्ट में, उसके ऊपर पिक्चर बना। इस देश का 100 करोड़ सनातनी पिक्चर नहीं देखने जाएगा। और इस देश के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जितने भी है ना, अपनी बच्चियों को इस पिक्चर से बचा लेना। क्योंकि इस पिक्चर में जो उसने कपड़े पहना रखे ना, रुमाल जितने पहना करके कपड़े, बिल्कुल नंगी लड़की दिखा रहे, नंगी। अगर आधा इंच भी इधर कर दिया ना तो बाकी समझ जाओ भाई, आधा इंच भी कपड़ा हट गया तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। इतनी नंग लड़की तो हम यहाँ पर सीपी में खड़े हैं। सीपी में बहुत सेकुलर और बहुत लेफ्ट विंग वाले आते हैं, बहुत देखते हैं हम लोग इन लोगों को, ठीक है। दीपिका पादुकोण इस मूवी में, तो एक तरफ आप शाहरुख की बातें तो कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो दीपिका क्यों है? मेरी बात सुनो भाई साहब, पूरी बात होने दो। सीपी में ना इतनी लड़कियां देखते हैं, छोटे शॉर्ट पहन करके आती है। इतने शॉर्ट तो हमने आज तक अपने आंखों में कभी नहीं देखे आंखों से। और दीपिका पादुकोण वही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब जेएनयू में खड़े होकर के कन्हैया जब नारे लगा रहा था वो ज्यादा मांग सिकता का, तो दीपिका पादुकर वहीं उसके बगल में, उसके साथ, उसके प्रोटेस्ट में खड़ी थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लग रहे हैं, आप क्या उस पिक्चर को देखने जाओगे? आप ये बता दो, आपका वो नंग जिसमें लड़कियां दिखाई जा रही, आप अपने घर की किसी बच्ची को भेज दोगे उस पिक्चर को देखने के लिए? ये चीजें सेंसर बोर्ड भी तो देखेगी। सेंसर बोर्ड भाई साहब देख ले, सेंसर बोर्ड ने अगर पास करता हो पिक्चर, पास कर दे, ओके भी कर दियो, ठीक है, रिलीज कर ले। मैं बताता हूँ आईनॉक्स वाले ने, आप आज की रिपोर्ट उठा कर दो, आईनॉक्स और पीवीआर ने भारत के देश में जितने भी, जिस भी स्टेट में पिक्चर रिलीज कर रहा है, आईएएस ऑफिसर को, डीसीपी को, एसीपी कमिश्नर को, सबको आची का दाखिल लिख करके दे रखी है उन लोगों ने कि अगर हम पठान पिक्चर रिलीज करेंगे, क्योंकि उनके दिल में धक-धक होगी, 100 करोड़ सनातनी पर्दे फाड़ेगा और आगजनी कर देगा, अपराध करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश में सनातन बच्चियों को बिगड़ने से बचाएंगे। मुकदमे लगते हो खूब लग जाए, एक नहीं एक के साथ एक मुकदमा और लगा देना, लेकिन इस पिक्चर अगर लगेगी पर्दे ही फाड़ेंगे, आग भी लगाएंगे, चाहे पुलिस वाले 10 खड़े करना, चाहे 20 खड़े करना, और बाहर खड़े होकर के, सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर के अपने सनातन धर्म को तो रोकेंगे भाई हम लोग। बाकी ये कर्तव्य बनता है कि मुस्लिम धर्म को वो भी रोके। और अगर कोई भैया सुन लो मेरे बात, जितने भी अपने आप को चौधरी मल्ल समझते हो ना, अगर अपनी कोई गर्लफ्रेंड, तुम्हारी कोई बहन, किसी को भी साथ में पिक्चर देखने ले जाओगे ना, तो भाई बाहर ही पकड़ के दही और तोड़ देंगे, क्योंकि बच्चियों को इस पिक्चर से बचाना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, कोई नहीं चाहता कि हम जा करके अंदर एक नंगी पिक्चर या नंगी लड़की देख कर आएँ। ये कह रहे हैं कि नंगी पिक्चर देखेंगे, नंगी लड़की है उसमें, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मैंने कुछ है मैं नहीं। आप बोलना चाहोगे भाई? मैं क्या, आपको आप पठान देखोगे? भाई मैं खुद नहीं देखूंगा, मैं खुद राइटर हूँ यार, मैं क्या देखूंगा? क्या हो आप? मैं राइटर खुद हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ। अच्छा, राइटर हो? हाँ, तो राइटर हो तो आपके लिए तो जरूरी है ना चीजों को देखना, समझ तो समझ गया। तो ऐसे में आपके हिसाब से पठान क्या है? भाई देखो, जैसे इसमें जो भगवा का जो दीपिका बताया गाने के अंदर, पर वो सही नहीं है भाई। और देखो पिक्चर बनाने में मेहनत लगती है, राइटर की मेहनत लगती है, कंपोजर की मेहनत लगती है, गाना बनता है उसके लिए, प्रोड्यूसर अलग पैसा लगाता है उस पर, डायरेक्टर साहब अलग मेहनत करता है, 5-6 साल की मेहनत हो जाकर एक पिक्चर बनती है। पर वही पिक्चर का मजाक बना देते हैं, जैसे पीके पिक्चर है, उसमें दिखा दिया ये रॉन्ग नंबर है, भोलेनाथ को भागते हुए दिखा दिया, तुम बस सनातनी को बदनाम कर रहे यार, और कुछ नहीं कर रहे भाई, ये बात गलत है। मतलब ये मूवी इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है कि सनातन धर्म को बदनाम कर, ये बॉलीवुड की, मैं बॉलीवुड को बदनाम नहीं करने जा रहा, बात वो है ये सनातन के ऊपर ही क्यों पिक्चर बनती है हर बार? आप ये बताओ सनातन के ऊपर ही पिक्चर बनती है? अभी किसी ने कहीं मस्जिद के ऊपर बनाई, बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाई अभी कोई पिक्चर? जाफराबाद में दंगे होते प्रोटेस्ट वगैरह, उसमें कोई आया था, कोई पिक्चर बनी, कोई बोला बॉलीवुड का? बिल्कुल, तो मतलब ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? राइटर हो आप तो खुद लिखते हो चीज़ों को, थोड़ा बहुत तो समझ, पिक्चर तो लिखी अच्छी है पर स्टोरी गलत है, जो उन्होंने बनाई है ना वो स्टोरी गलत है, जो गाने के अंदर जो अश्लीलता दिखाई है, तो मेरे नाम से देखो पठान पिक्चर ना ही देखो तो अच्छी बात है, बाइकआउट होनी चाहिए पिक्चर, इतने बोलना चाहूँगा मैं।
सर पठानी भाई को ठुंची, अच्छा शाहरुख गए थे वैष्णो देवी, तो ये लोग मतलब हिंदू धर्म जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सनातन को ही बदनाम करते हैं और सनातन की शरण में ही क्यों चल जाते हैं? भाई मुझे ये बताओ, सनातन तुम कौन सी पिक्चर उठा लो, कौन सी भी पिक्चर उठा लो, सनातन ही हमेशा बदनाम होता है। सनातन ही आमिर खान साहब ममडन है, उन्होंने हिंदू को ही मजाक बनाया था, वो पठान इसमें भी भगवा का मजाक बना रहे हैं। अब लगा लो, मतलब जो केसरी रंग है उसमें तुम दिखा रहे हो गाने के अंदर, आप ही सोचो ना। अच्छा मेरा एक सवाल है जी, सवाल है कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि ये कलर पहन रहे हैं वो कलर पहन रहे हैं, तो क्या ये शाहरुख खान डिसाइड करते हैं कि नहीं भगवा कलर पहनना है? शाहरुख खान तो नहीं डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो आप पहली बात कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आप कोस सकते हो दैट आपको किस तरह अलाउ किया गया, ठीक है? और पहली बात यह है कि मैं एक नॉर्मल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ कि मैं बाइकआउट करूँगा या नहीं करूँगा। अगर शाहरुख खान का भी कल एक आया था इंसिडेंट कि आप लोग कुछ भी कर लो, बाइकआउट करो, जो करो, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा, वो बंदे में वो क्वालिटी है। वो ज़बरदस्ती आपको नहीं बुला रहा है कि आप मेरे पास आओ बंदा मेरे को देखो, अगर आपको देखने का मोस्ट वेलकम, अगर नहीं देखना तो नहीं देखिए ना। अगर ऐसा आप लोग मतलब डायरेक्ट कह रहे हो नहीं शाहरुख खान, शाहरुख खान क्या, शाहरुख खान इज नॉट ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो अगर लोगों को नहीं देखना है और लोग एक दूसरे को बता रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना कि उसे जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें बाइकॉट वाली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। अगर आप जागरूक कर रहे हो कि ठीक है बंदा नहीं जाएगा, नहीं जाना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, अगर गलत है तो मोस्ट आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को देखना है एज ए एंटरटेनमेंट, जाइए और देखिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया बताओ, जब कॉस्ट्यूम डिजाइनर सब कुछ तय करता है तो शाहरुख खान कौन होते हैं, क्यों क्यों भाई? कॉस्ट्यूम डिजाइनर की गिनती तो मैं ही मानता हूँ भैया। हाँ। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की गिनती, पर प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, डायरेक्टर मेहनत करता है, 4-5 साल की उनकी मेहनत होती है। हाँ। और जैसे हीरो को बताया जाएगा वैसे वही करेगा, वैसे भी वो करेगा। अब ये तो वही बात है जैसे भगवान ने पहना दिया, अब शाहरुख खान ने ये थोड़ा देखा भाई भगवा कलर उसका, ना दीपिका पादुकोण ने देखा, पादुकोण नहीं पहनना चाहिए दैट के मेरा ये भगवा कलर नहीं पहनना चाहिए, इसमें तो सरासर गलती दीपिका पादुकोण की है। दीपिका पादुकोण जो उन्हें कॉस्ट्यूम दिया गया भैया वही तो पहनेंगी, गलती कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ना कि आप किसी एक्टर का कह सकते हो। डिजाइनर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर चूज करता भैया। चलो चाचा है, पूछ लेते हैं चाचा, ये पठान मूवी आने वाली है, अजय पत्रकार मेरा नाम है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, शाहरुख खान ने अभी तक जो किया था, कल जो बयान है, बेहद गलत है। कि पहली बात तो यह है कि शाहरुख खान को इतनी अक्ल नहीं है कि अगर कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने उत्तेजनात्मक बात कही, उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करने की, कि शाहरुख खान उसमें वो हो, शाहरुख खान ने कल जो बयान दिया वो बहुत गलत। शाहरुख खान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कोई इसने इतना बड़ा अपराध नहीं करे, ना ही शाहरुख खान आतंकवादी है जैसे कुछ लोगों का, मगर शाहरुख खान को खेद व्यक्त करना चाहिए। अगर शाहरुख खान ये कह देते कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो है, मैं उस भगवे कलर को सैफ्रन को पिंक कर दूँ, मगर शाहरुख खान के अकल नहीं आई, चूँकि शाहरुख खान इस समय बेहद घमंड पे है और इनका घमंड भी चूर होना चाहिए। हकीकत है इनकी जगह दूसरे 200 मुसलमानों को चांस मिलना चाहिए जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया है, इन तीन लोगों ने अपनी मोनोपोली कर ली है और ये जाने कितने अच्छे मुस्लिम टैलेंट को भी नहीं आने दे रहे। दूसरी इनका बाप जो है सलीम खान, वो यहाँ पे मोदी से टिकट चाहता था, बहुत उसने बढ़ाई की, मोदी किसी वजह से दे नहीं पाए, इस कारण भी तबाह हुए। तीसरी वो तो सलमान के पिता है सलीम खान, सॉरी हाँ सलमान खान के। ये तीनों लोग जो हैं, इसमें आमिर खान की जितनी भी मूवी है मानना पड़ेगा, आमिर खान ने हेल्थ के उससे बनाई हैं अधिकतर बीमारियों के, तो आमिर खान एक टैलेंट है। लेकिन आमिर खान ने भी पीके बनाई थी जिसमें धर्म के साथ खिलवाड़। अब है क्या, ये जानबूझ के जो इंटेंशनली होता है इस पर अब नहीं करना चाहिए, जब लोगों को इतराज हो रहा है तो ये लोग समझदार हैं तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कम से कम थोड़ा सा, चूँकि ये है क्या, इसमें विरोध हो रहा है तो इनको ध्यान रखना है, इन्होंने जो उत्तेजना, तो अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक नहीं देखेगी, मगर ये जितने भी फिल्मी हीरो हैं, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक बार बाइकाट का इनको, चाहे 3 दिन का बाइकाट हो या 2 दिन का हो इनको, ताकि ये समझ में आ जाए कि इनको इसके अलावा कोई अगर मुस्लिम के लिए भी गलत दिखाएं तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, ताकि देश की अस्मिता के साथ मजाक ना हो सके। ये मजाक, एक तो ये बात है कि चलिए सैफ्रन वाला मानते हैं कि गलत हुआ, ये उनको भी नहीं अकल थी, परंतु उसको कुछ लोग जो तूल दे रहे हैं वो राजनीतिक तूल दे रहे हैं,
उसमें ये फंसते जा रहे हैं, ये और उल्टा बयान दे रहे हैं। दूसरे ऐसा नहीं कि शाहरुख खान इतने बड़े हीरो हों, इतना बड़ा टैलेंट नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एआर रहमान नाम का जो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतक माना जाता है, कतई नहीं है, कतई नहीं है, दूसरी कंट्रियों से सपोर्ट है। एआर रहमान एक लड़का है, एज क्या है, इतना बड़ा संगीतक हो गया। हमारे यहाँ बैजू बाबरा जैसे लोग रहे, तानसेन जैसे लोग रहे, एक से एक बड़े संगीतक है, मगर ये कैसे, ये सिर्फ ये है जो माफियाओं से पैसे पा गए, जो दाऊद से पैसे, याद रखिएगा कि दाऊद की बहन पारकर की शादी में ये लोग गए थे, कौन लोग गए थे, उनमें यही लोग थे। आज फिल्म वो है कि एक गरीब मुस्लिम का टैलेंटेड लड़का नहीं आ सकता, और ये लोगों के चूँकि लोग डायरेक्टर डायरेक्ट उनसे, आज फिल्म में वो सक्सेस है जिनके संबंध माफियाओं से। अगर आप ये जानना चाहें तो दाऊद की बहन पारकर की जब शादी हुई है, मतलब आपको लगता है कि जानबूझकर जो है वो धार्मिक भावना को ये इंटेंशनली है और ये जानबूझ के इस तरह से हर फिल्मों में हर एक उसमें, अगर किसी को इतनी अकल ना हो, एक 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 साधारण आदमी को भी इतनी अकल है कि हमको कहाँ पेशाब करनी है कहाँ नहीं। अगर कोई मस्जिद में भी पेशाब करने जाता है तो ध्यान रखता है। एक एक मज़दूर को, एक ले मैन को ले लीजिए तो मस्जिद में जाके जूते उतार के, एक मुस्लिम को ले लीजिए अगर मंदिर में भी जाएगा तो जूते उतार करके, ये कॉमन सेंस की बात है कि सेफ्रन और ग्रीन कलर, इस पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों, ताकि इन लोगों को ये अकल आवे कि ये सब में हम ना फंसें। और अब जो हो रहा है वो वास्तव में एक राजनीतिकरण हो रहा है, उधर से भगवा के नाम पे राजनीतिकरण किया जा रहा, उधर से वो किया जा रहा, दूसरा विपक्ष भी ऐसा, सत्ता पक्ष भी, जबकि रास्ता बीच का होना। अगर काश ये कह देते ठीक है मैं कलर चेंज करके पिंक कर लूँगा तो क्या जा रहा था, पिंक कलर अच्छा होता, महिलाओं का कलर होता है, ब्रा वगैरह अधिकतर पिंक कलर की होती हैं, अधिकतर लेडीज़ पिंक कलर का पहनती, तो ये नहीं। जो इन्होंने बयान दिया अगर अपने को बहुत बड़ा हीरो, अगर ये अगर कोई भी बयान वैसा दें तो इनको दो दिन के लिए बाइकाट होना चाहिए, मगर पूर्णतः फिल्म का बाइकाट नहीं होना चाहिए, और फिल्म सेंसरशिप को भी सोचना चाहिए। इसके पहले भी मैं आपको बता दूँ, मनोज कुमार की, मनोज तिवारी की भी एक है गीत में, उसमें भी एक हीरोइन जो इस तरह के पहने हुए, अक्षय कुमार का भी है, परंतु इस समय जो माहौल ऐसा है, माहौल खराब है, तो इस समय ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि शाहरुख की अपकमिंग मूवी जो है पठान, उसको लेकर लोगों की राय क्या है। यहाँ जो बातें हुई है उसमें निश्चित तौर पर शाहरुख और शाहरुख के पठान मूवी को लेकर लोगों के मन में आक्रोश है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे फिल्म के क्रू को भी दोष दिया जा रहा है। बाकी आगे देखते हैं कि 25 जनवरी को शाहरुख की जब मूवी रिलीज होती है तो उसका टर्नओवर क्या होता है, उसकी फंडिंग क्या होती है, और बाकी इससे जुड़ी हुई जो अब के बाद से चीज़ें चलेंगी उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति, मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा भैया जी गजब।